पांच सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे यूनियन बजट को लेके, या प्रॉफिट एंड लॉस किससे ज्यादा सिमिलर माना जाएगा यूनियन बजट। क्वेश्चन नंबर टू, हमारी जीडीपी करीब 3.9 ट्रिलियन USD यानी कि 326 लाख करोड़ के आसपास की है, यूनियन बजट का जीडीपी से कुछ रिलेशनशिप है, और है तो क्या। नंबर थर्ड क्वेश्चन, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, बजट का इन्फ्लेशन पे कुछ असर पड़ता है, यस नो। फोर्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को ये मीम मिला सोशल मीडिया पे जो बोलता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, बजट से मुझे समझ में आया, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, और अगर मैं काम करूंगा तो तुम मेरा पैसा ले लोगे, सही है या ये एक मजाक है। पांचवा और लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने सुना है हर बार फिस्कल डेफिसिट, तो आप समझते हैं डेफिसिट बजट क्या होता है, बट कुछ सरप्लस बजट भी होता है क्या, और कभी इंडिया में हुआ है। अगर सरप्लस और डेफिसिट बजट होगा तो एक बैलेंस बजट भी हो सकता है। आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में, और इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा बजट से रिलेटेड, जो पॉइंट आपको कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। बजट को समझने का बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने पर्सनल लेवल पर समझिए कि अगर आपको एक फोन लेने जाना है, दुकानदार के पास आप गए, अपने दुकानदार से कहा भाई साहब मेरे को एक फोन दिखाइए, पहला प्रश्न उसका ये होगा आपका बजट क्या है। यहाँ पर हम जब यूनियन बजट की बात कर रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट का बजट यानी कि भारत सरकार इस साल में, साल 2024-25 में कितना खर्चा करने का सोच रही है, 48 लाख करोड़, टू बी वेरी प्रिसाइज 48.20, ये सरकार का बजट हो गया। अब ये 48 लाख करोड़ कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च किया जाएगा, ये सारी डिटेलिंग आपको बजट में मिलती है। बजट है क्या? एज पर द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंसेस एंड रिसीट, रिसीट नॉट इनकम। और यही डिफरेंस है, अगर मैं बात करूं जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बैलेंस शीट से मैच करेगा या इनकम स्टेटमेंट से, थोड़ा बहुत इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मैच कर सकता है, क्योंकि उसमें किसी कंपनी की उस साल में क्या इनकम हुई है, क्या एक्सपेंसेस हुई है और क्या नेट प्रॉफिट दिखाया है, वो बात बताई जाती है। बैलेंस शीट तो दिखाती है एसेट एंड लायबिलिटी। इसी प्रकार अगर हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट इसकी बात करें, तो ये दिखाता है उस साल में कितनी रिसीप्ट प्लान्ड है और कितने एक्सपेंसेस प्लान्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको तैयार करता है। आपको समझना ये होगा यहाँ पे 3 साल का स्टेटमेंट दिया जाता है, जो बजट बताते हैं वो तो हम बताते हैं आने वाले साल का। हर साल एक्चुअली बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, पहले ये किया जाता था 28 फरवरी को, ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है। और पहले एक रेलवे बजट भी अलग से हुआ करता था, 2017 से रेलवे बजट मिला दिया गया और 2017 से बजट की डेट होगी 1 फरवरी। 3 साल का बजट क्या होता है? इस साल का बजट यानी कि कितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं हमारा खर्चा होगा और कितना रिसीट होगा। 48 लाख करोड़ खर्चा होगा तो 48 लाख करोड़ रिसीट भी होगा, हिसाब तो बलाना है ना कहीं ना कहीं से। बट जरूरी नहीं है कि ये जो 48 लाख करोड़ रिसीट होएगा ये सारा का सारा गवर्नमेंट अर्न कर लेगी। गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये कहता है कि करीब 31 लाख करोड़ तो उसको मिलने वाला है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स भी होता है, नॉन टैक्स भी होता है। अगर हमारे देश में अगर आप रिसीट की बात करें तो सबसे पहले पैसा आएगा इनकम टैक्स से, करीब 19% जो टोटल रिसीट है उसका। टोटल रिसीट 48 लाख करोड़ होनी है क्योंकि तभी तो उतना खर्चा हो पाएगा। और नंबर दो पे आएगा जीएसटी से, करीब 18%, और कॉर्पोरेशन टैक्स जो टैक्स कंपनीज देती हैं उससे भी करीब 17%। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज हैं, फिर कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं जैसे डिविडेंड। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो डिविडेंड पे कर रहे हैं। आरबीआई ने पिछली बार दे दिया था 2.1 लाख करोड़, आगे बात करूंगा डिटेल में इसका कैसे इम्पैक्ट करता है फिस्कल डेफिसिट पे। इस टाइप की सारी रिसिप्ट मिलाने के बाद जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना, करीब 16 लाख करोड़। डिटेल याद रखने के लिए आपको डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरी स्टोरी को समझना, वो इस वीडियो में हो रहा है। तो ये 16 लाख करोड़ जो है ये हो जाएगी गवर्नमेंट की बोरोइंग। तो इस बोरोइंग और जो पुरानी एक्युमुलेटेड बोरोइंग है इनके चलते गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ता है। सोचो कितना देना पड़ रहा होगा, करीब 12 लाख करोड़। तो जो 48 लाख करोड़ है उसमें 12 लाख करोड़ तो ब्याज देने में चला गया, जो करीब 19% है। सबसे ज्यादा पैसा जाता है गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को देने में, वाजिब है क्योंकि उनका जो टैक्स कलेक्शन हो रहे हैं उसमें हिस्सा बनता है। ये हिस्सेदारी कौन निर्धारित करता है? फाइनेंस कमीशन। तो करीब 21%, ये जो 48 लाख करोड़ है इसका 21% चला गया स्टेट गवर्नमेंट को देने में, और करीब 16% बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में। बहुत सारी स्कीम पड़ते हैं ना एग्जाम की तैयारी में, उसके लिए पैसा डालना पड़ेगा।
फिर डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, सब्सिडीज है, गवर्नमेंट के सैलरी पेमेंट हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग खर्चे हैं, कुछ ग्रांट भी हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आपको समझने का है वो है 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बजट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो फ्यूचर के लिए आप एसेट खड़े कर रहे हो। करीब 37 लाख करोड़ का हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस, जो ऐसे ही डे टू डे के खर्चे में निकल गया जो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इम्पोर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि रेवेन्यू एक्सपेंस अगर आप पूरे साल में देखोगे वो बढ़े करीब 6%, लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस बढ़े हैं 17%, विच इज ए वेरी गुड थिंग। और ये तो अब आप समझ ही गए हो कि डेफिसिट क्या है। वो जो 16 लाख करोड़ वो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, बोरो करते हैं दो सोर्स से, एक है डोमेस्टिक यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड फ्लोट करती है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी उन बॉन्ड को खरीदती हैं तो गवर्नमेंट के लिए बोरिंग हो जाती है, गवर्नमेंट उस पर ब्याज देती है। और दूसरी होती है फॉरेन सोर्सेज से, गवर्नमेंट IMF से बोरो कर ले, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो कर ले, या दूसरी गवर्नमेंट से भी बोरो कर लेते हैं। ये बोरोइंग के चलते डेफिसिट खड़ा होता है, लेकिन अच्छी बात यह है इस बार की गवर्नमेंट में भी कि इन्होंने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को कितना रखा, 4.9%। 4.9% ऑफ व्हाट, ऑफ द बजट। बजट में 48 लाख का खर्चा है, 48 लाख करोड़ का, और 16 लाख करोड़ की बोरोइंग है बोल रहा हूं, तो करीब 1/3 लेके आ रहा है वहां। 4.9% ऑफ द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेरा जो पहला क्वेश्चन था, GDP का बजट से क्या रिश्ता है, डायरेक्टली तो कुछ नहीं, बिकॉज GDP इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, और ये सारा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में, कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर में भी हो रहा है, बट उन सबकी वैल्यू है। लेकिन बजट का जो इंटरवेंशन है, क्योंकि बजट दो तरीके से काम करता है, एक तो भारत सरकार क्या खर्चा कर रही है, भाई 48 लाख करोड़ खर्चा कर रही है, बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर सरकार ज्यादा खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो टैक्सेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट कानून बना सकती है। तो बजट में जो ऐसे प्राविधान होते हैं उनके चलते भी इकोनॉमी की ग्रोथ में असर आ जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, MSME हो, एग्रीकल्चर हो, या डिफरेंट सेक्टर्स। अल्टीमेट एम तो इकोनॉमी में ग्रोथ लाना है और ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। और जो मैंने पहला एक और पॉइंट रखा था कि ये बैलेंस शीट जैसा है या प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट तो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाता है किसी भी कंपनी की, लेकिन बजट तो दिखा रहा है कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उसका एस्टिमेट अगले साल के लिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग जो है सफिशियंट नहीं होती है, तो बाकी जो बोरो किया जाता है वो अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अर्निंग की जगह रिसीट बताया जाएगा। आपको एक और बात याद रखनी है, बजट में केवल एस्टिमेट नहीं दिया जाता है, जैसे अभी 24-25 का तो एस्टिमेट दिया, आपको लास्ट ईयर का 23-24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जब बोला था बजट के टाइम में उसके मुकाबले कितना एक्चुअल में हुआ वो हिसाब देना है, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। पक्का अभी भी नहीं हुआ, पक्का होता है 2 साल बाद, यानी कि इस साल जो बजट पेश हुआ उसमें 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का पक्का हिसाब दिया, ऑडिटेड हिसाब, एक्चुअल खर्चा और एक्चुअल कमाई कितनी हुई थी 2022 और 23 में, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स इस बार के बजट में प्रेजेंट किए गए। तो तीन स्टेटमेंट, 24-25 का क्या प्लान है, 23-24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट और 22-23 का एक्चुअल, इसको कहते हैं बजट। RBI जो इन्फ्लेशन मैनेज कर रहा है उससे क्या रिश्ता है, मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट की बात। फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होता चला जाएगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यहां पर जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, जो इन्होंने बोर्ड्स ऑफ अकाउंट में बोला था 5.1% तक जाएगा फिस्कल डेफिसिट, कम करके 4.9 कर दिया। चाहते अगर 5.3 भी बोल देते, कहते भाई अब ये कोलिशन गवर्नमेंट है, हमको आंध्र प्रदेश को देना है, हमें बिहार को देना है, और दे भी दिया उनको 15,000 करोड़ 26,000 करोड़ ऐसे दे दिया, तो बोलते फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो मार्केट उसको मान लेती, लेकिन गवर्नमेंट इज गोइंग प्रूडेंट, क्योंकि ओवरऑल बहुत ज्यादा बोरो कर लिया है गवर्नमेंट ने, करीब 185 लाख करोड़ के आसपास, जो GDP का 57% है, 57% ऑफ द GDP, और गवर्नमेंट की एक कमेटी बोलती है कि जो डेट GDP रेशियो होना चाहिए करीब 40% पे होना चाहिए। अब ये 185 लाख करोड़, गवर्नमेंट का पूरा खर्चा कितना होने वाला है इस साल, 48 लाख करोड़, 185 लाख करोड़ का जो डेट बैठा हुआ है देश के ऊपर, इसमें ब्याज देना पड़ता है, और आपको याद हो मैंने इसी वीडियो में बताया आपको 12 लाख करोड़ का जो ब्याज चला जाएगा। तो ये डेट GDP रेशियो को कंट्रोल में लाने के लिए अच्छी बात है कि सरकार अब एक्सेस डेट नहीं ले रही है, स्पेशली कोविड टाइम में बहुत खर्चा किया तो डेट बहुत बढ़ गया है।
आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन मैनेज करना इजी हो जाएगा जब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी सिंक में है। अब फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रही है कि हमारा इन्फ्लेशन करीब 4% के आसपास ही रहेगा जो आरबीआई का टारगेट है, और कोर इन्फ्लेशन तो और कम रहेगा। अच्छा, कभी हुआ है कि बैलेंस बजट रहा हो, खर्चा और कमाई बराबर, नो बोरोइंग? हमारे देश में तो नहीं हुआ। सरप्लस बजट, सोच रहे हो गई यार मजाक कर रहा हूं मैं, हुआ एक बार, गैस करो। मुश्किल है गैस करना अगर सुनानी होगा। 1951 में देयर वाज सरप्लस बजट इन आवर कंट्री, यानी कि सरकार की रिसीप्ट ज्यादा थी, कमाई ज्यादा थी और खर्चा कम, बाकी टाइम तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बट इसको गलत मत समझिए, अगर आप इकोनॉमी को समझते हैं, आपने कीन्जियन मॉडल पढ़ा होगा, तो 1930 के रिसेशन के बाद कीन्जियन मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ कि इकोनॉमी में ग्रोथ बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट अगर डेफिसिट क्रिएट करती है और उस डेफिसिट से इकोनॉमी में ग्रोथ लाती है तो दिस इज वेल जस्टिफाइड। और क्योंकि हमारी कंट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में इस समय नंबर वन है ग्रोथ में, इट मेक सेंस टू हैव अ डेफिसिट एंड इन्वेस्ट इन द ग्रोथ। हाँ, अगर अब बात करें वो मीम की, तो मीम वाली बात सही है। आज के डेट में ऐसा है कि अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आप बिल्कुल निकम्मे हैं तो आपको सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिल जाएगा, और घर बैठे बैठे भी आपको खाना मिल रहा है। बहुत गरीब है तो उनको सरकार अलग अलग स्कीम्स में पैसा दे रही है। ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये गलत तब हो जाएगा जब एक काबिल इंसान जो काम कर सकता है वो काम करना छोड़ के ये सोचे कि मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड देश को बर्बादी के कगार पर ले जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, ये किसी लाचार और किसी गरीब को भूखा ना मरने दें, बट ऐसा ना हो ये एक यूथ को जो आपके देश का प्रोडक्टिव रिसोर्स हो सकता है उसको गलत डायरेक्शन की ओर ले जाए। That kind of balance has to be maintained, और वही प्रॉब्लम होती है एक बहुत तगड़ी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि वेलफेयर प्रोग्राम इतने ज्यादा हो जाते हैं कोई काम नहीं करना चाहता। That balance has to be maintained well. इस बजट में एक इम्पोर्टेंट स्कीम आई जो आपके काम की है, शायद बताता हूँ आगे, मेरे हिसाब से तो वो जुमला ज्यादा है। 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी, 60,000 रुपया पर एनम देगी गवर्नमेंट उसके लिए प्राइवेट कंपनीज, और बोलते हैं टॉप 500 कंपनीज में इन 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में इंटर्नशिप दी जाएगी। 60,000 रुपया साल का मतलब हुआ 5,000 रुपया महीना। पहले तो ये कौन 500 कंपनीज हैं जो इतना मैन पावर एब्जॉर्ब कर सकती हैं? अगर मैं आपको सबसे बड़ी कंपनी बताऊं इन टर्म्स ऑफ द मैन पावर इन इंडिया, इट इज TCS, करीब 5 लाख एम्प्लॉई। लेकिन ये नंबर जैसे ही 20 तक जाएगा ना, तो उसमें करीब 10-15 हजार एम्प्लॉई आ जाते हैं, और 20 लाख लोगों को आपको एक साल में इंटर्नशिप देनी है। 5,000 रुपया अगर आप महीने का दे देंगे कंपनी को, उसमें तो उसकी बैठने की कॉस्ट नहीं आती है। एक एम्प्लॉय की जो डेस्क की कॉस्ट है किसी भी ऑफिस में, वो आज मेट्रोज में जितने भी ऑफिसेज हैं इससे ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पुश करेगी, फोर्स लगाएगी, कोर्सन करेगी इस काम के लिए कि आप इनको इंटर्नशिप दो, तभी भी वो गलत चला जाएगा मैसेज, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आपको फ्रीडम देनी है काम करने की। आप तो बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और अगर इसका उल्टा किया गया, हाउ यू विल क्रिएट ए इकोसिस्टम फॉर प्राइवेट सेक्टर? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है? एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना, जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड सेटिस्फाई करना, जिससे कि कस्टमर इंटरेस्ट हो उसका प्रोडक्ट खरीदने में, और प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमा के भारत सरकार को टैक्स देना। अभी मैंने आपको बताया नंबर वन इनकम भारत सरकार की कहां से है, कॉर्पोरेशन टैक्स से, और नंबर टू कहां से इनकम टैक्स से, तो पहले कंपनी अपनी प्रॉफिट पे टैक्स देती है और उसके बाद उसके एम्प्लॉय का इनकम टैक्स चला जाता है, और तीसरा GST, जितनी भी वस्तुएं बेची जाती है उन पर GST लगता है, ये सारी इनकम सरकार को होती है। उसके बाद भी CSR फंड क्रिएट किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा, जिनको वो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। अब गवर्नमेंट कहती है एम्प्लॉयमेंट भी आप क्रिएट करो उनके लिए, तो ऐसा ना हो कि ये गलत डायरेक्शन में चला जाए। गवर्नमेंट हैज टू बी केयरफुल, और ये पैसे का अमाउंट तो कुछ भी बड़ा नहीं है। जहां तक बात डिसइन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बैंकिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट कुछ ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। 2014 के बाद अगर आप पूरे मोदी सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, इन्होंने एक ही बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया है, वो है एयर इंडिया का। बाकी बातें बहुत सारी हुई, इस बार भी बजट में ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंक तो अब नहीं लग रहा है कि वो प्राइवेटाइज होने वाले हैं। RBI ने 2.1 लाख करोड़ लास्ट ईयर दिया था, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर रहा कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए पैसा मिल गया, क्योंकि जितना गवर्नमेंट ने बजट किया था उससे करीब 3 गुना RBI ने दिया था। उससे पहले 90,000 करोड़ दिया था, वो भी बड़ा अमाउंट था। सो प्राइवेटाइजेशन का बहुत प्लान नहीं है, और इसीलिए वहां से कोई ऐसा बड़ा एस्टिमेट बुक नहीं किया गया। जो 50,000 करोड़ का अदर्स में लिखा हुआ है
वो तो डिविडेंड और बाकी सरप्लस ट्रांसफर से ही हो जाएगा। एक अच्छा काम किया क्या इस गवर्नमेंट ने, जिससे मुझे पर्सनली लग रहा है कि बहुत सही काम किया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया, आप तो नाराज हो गए मेरे से, और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू हो रही है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बोली है कि बिकॉज ऑफ द ओवर फाइनेंसिंग जो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हो रही है वो रियल जीडीपी की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो सरकार को आमदनी बढ़ जाएगी और दूसरा स्टॉक मार्केट में लोग जो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, और अच्छे रिटर्न मिलने का मेन कारण क्या है, जीडीपी में ग्रोथ है, बट बाहर से जो पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है, बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर वन, उसके चलते हमारी मार्केट ओवर वैल्यू हो रही है। आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ने भी लास्ट वीक ये स्टेटमेंट दिया था, मैंने एक अलग से उस पर शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है। अगर आप ग्रोथ देखें म्यूचुअल फंड्स के AUM में, एसेट अंडर मैनेजमेंट, पिछले 4 साल में 3 गुना बढ़ चुके हैं, और इसी पीरियड में बैंक डिपॉजिट में ग्रोथ हुई है 60%, यानी कि आज स्मॉल टाउन के लोग भी बैंकों में पैसा रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में, डिफरेंट पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच आर हैविंग मार्केट लिंक्ड रिस्क। गवर्नमेंट के इस मूव से अब पैसा फिर से डिपॉजिट के रूप में आएगा बैंकिंग सेक्टर में, जो इरेशनल एक्जुबरेंस हो रही है वो थोड़ा कंट्रोल होगी। एक और अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, 50 आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी। टू मच ऑफ प्रोटेक्शनलिज्म हो रहा था, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, मेक इन इंडिया बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, बट उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, हमारे देश में इनएफिशिएंसी आ जाएगी। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन जो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम लाई है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, वो ज्यादा काम करने वाले है नहीं। PLI स्कीम को भी अगर आप देखें तो टोटल वो कोई बहुत ग्रेट सक्सेस है नहीं। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाने की बजाय पॉलिसी मेकिंग पे काम करना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज के डेट में गवर्नमेंट को दिख रहा है कि स्टार्टअप्स बहुत बैडली हिट हुए हैं, फंडिंग आ नहीं रही है, उन्होंने दो बेनिफिट दिए, एक तो एंजल टैक्स हटा दिया, जो लोग एज एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा जो फॉरेन कंपनीज आती हैं उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट में टैक्स कम कर दिया। लेकिन अगर स्टार्टअप की ही बात करें, सबसे ज्यादा स्टार्टअप है एजुकेशन सेक्टर में, और ऑनलाइन एजुकेशन में 18% GST है, लेकिन ऑफलाइन में नहीं है। अब ये कितनी बड़ी एनोमली है। अगर आप सच में प्रमोट करना चाहते हो, एंड स्टार्टअप इज एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुडे इन इंडिया, और वो आज ही एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें, जहां तक मुझे याद है हम ग्लोबली या तो नंबर 2 हैं या नंबर 3 हैं, वो फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करने वाला है, तो आपको ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए। इस टाइप के पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। उसके अलावा दो और अच्छे पॉइंट हैं, एक है MSME पे ध्यान देना, MSME के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन उनको कुछ और लोन मिल सके, और उन्हें कुछ रेगुलेटरी फोरबेरेंस भी दिया है, अगर उनके साथ कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज उन्होंने की है, जिससे कि MSME सेक्टर को प्रोत्साहन मिल सके, और MSME देश में बहुत बड़ा एम्प्लॉयर जनरेटर है और एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करता है। ये सारा डेटा बजट से रिलेटेड जो हमने बात करी है, वो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट जो मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। वुमन लेड इकोनॉमी वाली बात बहुत एप्रोप्रिएट है, क्योंकि दो पॉइंट हैं, एक तो हमारे देश में वुमन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स बहुत कम है और ये डिक्रीज हुआ है, बड़ी दुख की बात है, डिस्पाइट ऑफ लिटरेसी, डिस्पाइट ऑफ वुमन स्कोरिंग बेटर इन बोर्ड एग्जाम, इन ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लेकिन इन जनरल वुमन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स कम हो गया, उसको एनकरेज करने के लिए, जिससे कि देश की इकोनॉमी में वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और मोर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम बेटर होगा। इसके लिए जो 3,00,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, दैट इज एक्चुअली टू बी अप्रिशिएटेड, और वुमन फाइनेंस मिनिस्टर है तो जरूर करना चाहिए था। वुमन स्किलिंग, वर्किंग वुमन हॉस्टल्स, क्रेसेस लगाना वर्क प्लेस पे, उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देना, अलग अलग स्कीम्स की बात की गई है। ओवरऑल मैं ये बोलूंगा ये एक अच्छा बजट है, बोल्ड बजट है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत प्रेशर होते हैं, उसके बावजूद भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखा गया है, फ्री बीज नहीं बांटी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, और खर्चों को काफी कंट्रोल में रखा गया है, डेट जीडीपी रेशियो को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इवन नेक्स्ट ईयर के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 4.5 रखा गया है। आपका कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क, पार्टिसिपेट इन दिस, द लर्निंग विल बिकम 50% फास्टर एंड यू विल डेफिनेटली अनफोल्ड योर पोटेंशियल। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।